अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत और अवाम प्रोग्राम के साथ मैं हूं जलीयुबी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो टॉपिक है वो है महंगाई और सैलाब से मुतासर अवाम। नाजरीन, महंगाई वो जिन है जिससे हर शख्स मुतासर है, हम रोजाना इस पर बात कर रहे हैं। दूसरा, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिनसे अवाम बहुत मुतासर हुई है, बलूचिस्तान, राजनपुर और दीगर इलाके जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ सबके सामने हैं। रावी में भी जो इंडिया ने पानी छोड़ा है उसे भी बहुत से इलाके खाली करवा लिए गए थे और बहुत से लोग मुतासर भी हो रहे हैं सैलाब से। इन पर आज गुफ्तगू करेंगे। जी सर, सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम सर। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? वालेकुम सलाम, नवीद अख्तर बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। माशाल्लाह जी, नवीद अख्तर साहब क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, मजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद अख्तर साहब, आज हमारा जो टॉपिक था वो था महंगाई और सैलाब से मुतासर अवाम, क्योंकि आप ओवरसीज हैं, अबू धाबी में बैठे हैं, देख रहे होंगे पाकिस्तान के हालात क्या हैं। लेकिन दूसरा अलमिया यह है, आज फैसलाबाद में एक बच्ची के साथ रिश्ता ना देने के तनाजे पर उसको बहुत जलील रिश्वा किया गया, उसके बाल काट दिए गए, भूंगे काट दी गई, तलवे चटवाए गए उसे। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया हमारे आज रूनमा हुआ है। इससे भी बहुत से पहले वाकया चलते रहे। आप जब बाहर देख के हमारे पाकिस्तानियों को देखते हैं तो क्या दिल करता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी अलवी साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम राणा जुल्फकार साहब को। जी जी जुल्फकार साहब बैठे हैं सर हमारे साथ। थैंक यू सर। दूसरे अपने पैनलिस्ट उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आप आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर तो आप जो है ना, हम लोग यहाँ पे अब न्यूज हर वक्त आपके जो चैनल है देखते रहते हैं। और ये है कि ये तो बहुत ज्यादा इसमें हमारे शर्म से सर झुक जाते हैं कि ये न्यूज सुन के ना। और अगर आप देखे ना, यहाँ दुबई अबू धाबी, हम यहाँ पे जो है ना कहीं भी चले जाएं, जी जी, रात के 12, 1, 2, 3 किसी से हम ये बात भी नहीं कर सकते, ऐसे कोई फालतू बात जो है ना, इतना यहाँ पे जो है ना लास्टिक है। जी जी यानी के दूसरे ममालिक में जहाँ बैठे हैं, किसी ख्वातीन को छेड़ना कोई आसान नहीं है, किसी औरत की तजलील करना कोई आसान नहीं है। ये कानून के अमल दरामद भी है वहाँ पे, कानून सख्त है या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं वहाँ पे, या हम आप क्या समझते हैं? जी अलवी साहब, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हम आवाज भी नहीं कर सकते किसी को फजूल, इवन के लेडीज को नहीं, किसी जेंट्स को भी, किसी और किसी माइनॉरिटी को, किसी भी रंग नस्ल के आदमी को, औरत को, हम लोग तो आवाज क्या है? आप हम लोग उसको आप देख भी नहीं सकते ऐसे, है ना, घूर के। नहीं तो नवीद साहब, कानून तो यहाँ भी वही है, कानून तो यहाँ भी यही है कि आप किसी की आजादी को नहीं छेड़ सकते, किसी को तंग नहीं कर सकते। लेकिन क्या समझते कि यहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा कानून के ऊपर, या इंसानियत सो गई है? देखिए हम लोग तो आप जो है ना, जी जी हम तो यहाँ पे आते हुए डरते हैं, पाकिस्तान आते हुए डरते हैं, यकीन करें। यहाँ पे रह रहे कि हम जो है ना आती हो गए, यहाँ के लॉ ऑर्डर जो है यहाँ पे कितना स्ट्रिक है, तो वहाँ पे जो हम आते हैं तो डरते हैं यकीन करें कि पाकिस्तान में जाएंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पहले तो एयरपोर्ट से कोई पीछे ना लग जाए हमारे। सही कह रहे हैं। अच्छा नवीद साहब, जिस तरह महंगाई हमारे पाकिस्तान में बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, दुनिया में भी ऐसा ही है, आपके मुल्कों में भी ऐसा ही है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है या कीमतें, कोई महंगाई का एक तूफान बरपा है उधर भी ऐसा ही है, या पाकिस्तान में ही महंगाई का एक तूफान है? जी अलवी साहब, यहाँ पे भी है थोड़ी महंगाई, यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे भी है, पेट्रोल भी इन्होंने महंगा किया लेकिन इन्होंने सस्ता भी किया यहाँ पे। लेकिन ये नहीं है कि हर दूसरे दिन ये महंगाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने साल में एक बार इन्होंने महंगाई की है तो इन्होंने फिर जो है ना नेक्स्ट ईयर कोई अगर चेंजिंग आती है तो करेंगे, नहीं तो ये नहीं है कि हर दूसरे तीसरे महीने में ऊपर ले जाएंगे चीजें तो फिर नीचे नहीं लेके आएंगे। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर ये सस्ता करते हैं और चीजें भी सस्ती करते हैं, और जो अपने लोगों को यहाँ के जो इवन लोकल नहीं है, मराठी नहीं है, उनको नहीं, यहाँ पे जो हम भी हैं फॉरनर हैं जो काम करते हैं, उन सबको एक जैसा इनका जो है ना
फैसिलिटेट करते हैं, ये नहीं है क्या किसी के लिए और है यहाँ पे ला और दूसरे के लिए और है, चीजें और है किसी के लिए मार्केटों में और है रेट किसी के लिए, नहीं यहाँ पे कोई जो है ना फर्क नहीं है। नवीद साहब ये बताइएगा, यहाँ के उनमें कोई फर्क नहीं। नवीद साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ जब पेट्रोल की कीमत कम होती है आलमी मंडी में तो यहाँ भी कम की जाती है, तो ऐसा पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन बाजुकात ऐसा नहीं होता और कीमतें उल्टा बढ़ा दी जाती हैं, जिस तरह अभी ये रिसेंटली इन्होंने कीमत बढ़ा दी है पेट्रोल की, तो इस तरह इमरान खान साहब के दौर में भी इस तरह हुआ था कि एक दफा उन्होंने ओगरा ने एडवाइस भेजी थी कि कीमतें कम की जाएं पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन 20 रुपए कीमत बढ़ा दी गई थी बिला जवाज, तब तो किसी को यकीन ही नहीं था कि 20 रुपए कीमत बढ़ जाएगी, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ये इस तरह कभी कभार होता है या मतलब हर दफा भी होता है? पाकिस्तान का तो अलमिया रहा है, आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट आई है, चाहे पीटीआई की आई है, चाहे पीपी की आई है, चाहे नून लीग की आई है, तो ये तो इन अलमिया है हमारे पाकिस्तान का, ये लोग तो अपनी बारियां लेने आए हैं और ये चीजें देखें आप कौन सर्वाइव कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये जो अशराफी है कौन सर्वाइव, इनके तो एसेट बढ़ते जा रहे हैं, किनके काम हो रहे हैं आप मुझे बताएं, किनको फर्क पड़ रहा है, उनकी तरह से 400 में पेट्रोल चला जाए, चीजें कहाँ पे चली जाए, महंगी जितनी मर्जी हो जाए, उनको क्या फर्क है बताएं, किसी को फर्क नहीं है उनको, तो आवाम को फर्क पड़ रहा है, यानी कि कौमी तराना पढ़ने वाले महंगाई की दलदल में है और कौमी खजाना लूटने वाले अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने अलवी साहब, हम यहाँ पे, मेरा नाम अफजल अयूबी नाम है नवीद अख्तर साहब, मेरा अफजल अयूबी, अयूबी साहब सॉरी मैम, जो है ना मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम पॉलिटिक्स पे किसी के साथ अपनी जो कंट्री की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम शर्मिंदा होते हैं, वो लोग ऐसा ऐसे जो है ना उनकी जो न्यूज चैनल है, ये इंडिया न्यूज चैनल है या ये बांग्लादेश के हमारे साथ काम करते हैं, ये वो उनकी जो चैनल है ऐसी ऐसी न्यूज देते हैं, वो हमें भी बाद में पता चलती है कि हाँ ऐसा हो गया पाकिस्तान में, वो उन लोगों को पहले पता चलता है, मैं आपको बताऊं। सही कह रहे हैं। अच्छा अनवीद अख्तर साहब, आजकल सैलाब की तबाहकारियां पाकिस्तान की आवाम महंगाई से भी ज्यादा दर्दनाक है, खौफनाक है, जिनमें लोगों के मवेशी जान और माल सब कुछ पानी के नजर हो गया, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक तो अभी तक इमदाद भी नहीं पहुंच सकी, पाक फौज आर्मी ने बहुत सी कोशिशें की, कर भी रही है, हमारी जो अभी पीछे रिसेंटली हेलीकॉप्टर का वाकया हुआ है उसमें कितनी कुर्बानियां जो अफसरान ने पाक फौज के सैलाब के मुतासरीन को बचाने के लिए अपनी जानें शहीद कर चुके हैं, उस हवाले से आप नवीद साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, अपनी अफवाज पाकिस्तान को तो हम जितना भी जो है अप्रिशिएट करें उतना ही कम है, उनकी जो खिदमात हैं दहशत गर्दी का जो ये जरा है उसमें, और ये जो अभी जी नवीद साहब, नवीद साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। जी नवीद साहब मुकम्मल कीजिएगा अपनी गुफ्तगू सर। 112 की या जितनी भी हमारी जो है उन सब के लिए हमारे तो दुआएं हैं उनके साथ, और जितना अप्रिशिएट करें उनको कम है, तो अयूबी साहब ये तो हम लोग इनकी वजह से ही अभी तक पाकिस्तान हमारा चल रहा है, अगर हमारी एजेंसी है, हमारा आर्मी, हमारी ये जो सब कुछ वो गैर जानबदार ना रहे तो फिर तो हम लोग तो बस अल्लाह ही हाफिज है हम लोगों का, आप तो बेहतर जानते हैं हम लोगों से। जी सही कह रहे हैं नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अपने दिल की बातें हमसे की, हमारे अवाम तक पहुंचाई, बाहर बैठ के आप कितने परेशान होते हैं जब कोई पाकिस्तान की ऐसी कोई खबर जाती है जिसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बहुत शुक्रिया नवीद अख्तर साहब आपने हमें ज्वाइन किया।